हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था और डायमेंशनल एनालिसिस पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कहाँ होता है। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि डायमेंशनल फॉर्मूले आपके यूज़ होते हैं चेक करने के लिए कोई भी फिजिकल रिलेशन गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उस पर हमने एक न्यूमेरिकल लास्ट टाइम किया था, आज हम उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स लेंगे, फिर उसका सेकंड यूज़ पढ़ेंगे। किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आई होप सो आपको समझ आ गया होगा और आपने उसे ट्राई किया होगा। तो आज हम नेक्स्ट इसी पे एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने ये राइट डाउन कर रखा है, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्केयर माइनस हाफ एम यू का स्केयर। बता रखा है एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एम क्या है? मास। वी और यू क्या है? फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको चेक करके बताना है ये जो गिवन रिलेशन है वो सही है या गलत। किसकी सहायता से? डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप ही न्यूमेरिकल नोट करो, फिर हम इसको करते हैं। आई होप सो आपका न्यूमेरिकल नोट डाउन हो गया होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर निकालना, चेक करना कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। एक बार पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर न्यू हुआ फिर देखना, पॉज कर लेना वीडियो, क्वेश्चन लिख के फिर आपने न्यूमेरिकल को ट्राई करना है, फिर आप चेक करके बताना ये रॉन्ग है या राइट है। क्लियर? ओके, आंसर देखो अब इसका बेटा। हाँ जी, क्या किया था हमने लास्ट टाइम इसको चेक करने के लिए? सबसे पहले हमने क्या उठानी होती है? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी उठानी होती है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या उठा ली इसकी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास क्या पड़ा है? एफ एस। क्या पड़ा बेटा? एफ एस। पहला स्टेप क्या था? टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या लिख दी? लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास ये क्वांटिटीज पड़ी है इनके क्या लिखने होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले। क्या लिखने होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले। फोर्स, एफ क्या है? फोर्स। एफ क्या है? फोर्स। और फोर्स का मैंने आपको क्या कहा था? याद रखना, ये हर बार काम आता है दूसरे डायमेंशन फॉर्मूले को निकालने में। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। एस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस टर्म लिख सकते हैं? लेंथ की टर्म, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? एल। देखो फोर्स का बेटा कैसे आया, फोर्स का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले क्या काम होता है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कि जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसको आप क्या लिखो? फॉर्मूला के फॉर्म में। उस फॉर्मूला को आप ब्रेक करते जाओ कौन सी क्वांटिटीज में? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तब तक ब्रेक करना है अपने उस क्वांटिटी को जब तक वो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या मुझे ब्रेक, फिर उसके बाद हम उसका क्या लिख देंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अब ध्यान से, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो क्या इसे ब्रेक करने की नीड है? नो। पर एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसे हमें किस में ब्रेक करना पड़ेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो क्या आएगा बेटा बोलो? मास एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? वेलोसिटी बाय में टाइम। क्या लिखोगे? वेलोसिटी बाय टाइम। एम भी फंडामेंटल, टी भी फंडामेंटल, पर जो वी है वेलोसिटी है वो फंडामेंटल नहीं है। तो इसको हमें किस में ब्रेक करना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो ब्रेक करो, क्या आएगा? एम, साथ साथ तुम्हें निकालना है ना। वेलोसिटी क्या होता है? डी बाय टी, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, मास एम, डिस्प्लेसमेंट को एल लिख सकते हैं, लेंथ टाइम आ गया, ये सारी किस में कन्वर्ट होगी? फंडामेंटल में। तो अब इसलिए हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। लिख दो एम कितनी बार है डिस्टेंस, एल एक बार, टाइम कितनी बार है? दो बार। पर टाइम है क्या? नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के
टू, तो क्या आ जाएगा टी माइनस टू। तो क्या अपना डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एल। अब ये टर्म्स किस में पड़ी है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है एड। तो लिख दो क्या एम वन, एल कितनी बार है दो बार, दोनों के ऊपर पावर कितनी है वन वन, बेस सेम तो पावर एड, तो कितना बचेगा एल टू टी माइनस टू। ये हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर बेटा, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एम एल टी माइनस टू एस एल बेस सेम तो पावर विल एड। ओके नाउ वी विल टेक द राइट हैंड साइड। अब हमने ले ली इसकी राइट हैंड साइड, क्या पड़ा राइट हैंड साइड में हाफ एम वी का स्केयर माइनस हाफ एम यू का स्केयर, हाफ एज इट इज। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीन्स एल बाय टी, तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन का स्केयर माइनस वन बाय टू। मास का क्या आएगा एम, यू इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी बेटा क्या आएगा एल टी माइनस वन का होल का स्केयर। क्लियर, मास का एम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एल टी माइनस वन, मास एम वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इनके ऊपर स्केयर था ब्रैकेट के ऊपर इसलिए हमने क्या लगा दिया पूरा स्केयर। क्लियर, आगे देखो हाफ एम, इसको सॉल्व करो ब्रैकेट के तो क्या आएगा एल का स्केयर टी की माइनस टू, आगे माइनस हाफ एम एल का स्केयर टी माइनस टू। क्लियर, अब इन सब को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो इकट्ठा करके लिखोगे तो क्या आएगा बोलो हाफ एम एल स्केयर टी माइनस टू माइनस हाफ एम एल स्केयर टी माइनस टू। अब मैंने क्या कहा था सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेक करना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या चेक करना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं और बीच में क्या हो प्लस हो या माइनस हो तो यू कैन राइट इट वंस, तो आप इसको एक बार लिख सकते हो, तो एक बार लिखेंगे तो क्या आएगा हाफ एम एल स्केयर टी माइनस टू, तो ये आपकी क्या सॉल्व हो गई राइट। देखो ध्यान से लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है एम वन एम वन, एल स्केयर टी माइनस टू, तो दोनों सेम हैं, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस रिलेशन इज करेक्ट। क्लियर आ गया होगा समझ, आई होप सो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा। इसी यूज पे हम एक लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे चेक करने के, तब उस पे ट्राई जरूर करना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना तो बोर्ड पे वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस पे
हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिया S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो आपको चेक करके बताना है वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से और इनकरेक्ट। तो आप सबसे पहले क्या उठाओगे, अब अपना बोलो साथ साथ, क्या उठाओगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या उठाओगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या ले ली? लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटा लेफ्ट में क्या पड़ा है? S। तो मैंने क्या लिख दिया? S। S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? L। क्या आ जाएगा? L। फिर तुम क्या उठाओगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला हमने लिख दिया, क्या लिखा है? हाफ ए टी का स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या स्टेप होता है सॉल्व करने के लिए? सबके क्या लिखते जाओ? डायमेंशनल फॉर्मूले। यू क्या होता है? यू इनिशियल वेलोसिटी। अब तक लर्न हो गया होगा यू का फॉर्मूला, एल टी माइनस वन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एल बाय टी, एल टी माइनस वन। आगे बोलो वन बाय टू ए एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू अभी निकलवाया था, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एल बाय टी का स्क्वायर, एल टी माइनस टू। टी टी को क्या लिखोगे? कैपिटल टी, और उसके पास यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। और यहाँ पे देखो यू के साथ एक और टर्म पड़ी है टी, तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी। एनी डाउट? यू का एल टी माइनस वन, टी का टी वन बाय टू, ए का एल टी माइनस टू, टी का टी उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब देखो हमें क्या काम करना होता है, ये टर्म्स किस में है? मल्टीप्लाई में। तो बेस सेम, तो आपको पावर्स क्या करनी होती है? ऐड। तो पावर्स आप क्या कर दो? ऐड। एल टी की माइनस वन, टी की प्लस वन, टी की पावर क्या बचेगा? जीरो। किसी की पावर जीरो हो तो आंसर क्या आता है? वन। तो मैं ना लिखूँ तो एक ही बात है, तो क्या लिख दे रहा है मैंने? एल। आगे देखो वन बाय टू, सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में टर्म्स पड़ी है। एल कितनी बार पड़ा है? एक बार। तो एल को आप कितनी बार लिख दो? एक बार। टी कितनी बार पड़ा है? दो बार। मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होती है? ऐड। माइनस टू प्लस टू जीरो, किसी की पावर जीरो तो आंसर क्या आता है? वन। तो क्या आ गया? एल। उसके बाद मैंने क्या करा? सिर्फ आपको चेक करना है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर दोनों सेम हैं, बीच में क्या हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आप उसको कितनी बार लिखोगे? एक बार। तो उसको हमने कितनी बार लिख दिया? एक बार। क्लियर? अब देखो लेफ्ट में क्या आया था? एल। राइट में भी क्या आया? एल। तो दोनों क्या आ रहे हैं? सेम। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस रिलेशन इज करेक्ट। नोट डाउन। क्लियर यहाँ तक? ये हमारा हुआ बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का यूज। अब इसका फर्स्ट यूज था ये कि ये बताएगा कोई भी फिजिकल रिलेशन रॉन्ग है या राइट, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम आगे करते हैं सेकेंड यूज, किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। यूजेस ऑफ
डायमेंशनल एनालिसिस। इसका सेकंड यूज क्या है? टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखा बेटा मैंने? रिलेशन निकालना जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनके बीच में। कैसे? इसको भी हम न्यूमेरिकल से समझेंगे कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है कैसे हेल्प करता है जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनके बीच में रिलेशन को निकालने के लिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा होगा ये न्यूमेरिकल, स्टेप आपको क्लियरली होने चाहिए, एक एक स्टेप क्या क्या करवाए जा रहे हैं। क्लियर? तो आई एम राइटिंग द न्यूमेरिकल। फर्स्टली न्यूमेरिकल की सहायता से इसको समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने लिखा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड एक्सेलरेशन ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स यूजिंग डायमेंशंस। ये न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट लिखो, इस स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके सेकेंड यूज का मीनिंग निकालते हैं। देखो क्या मीनिंग है, ये जो फोर्स है किसी बॉडी पे लग रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉडी के मास पे, बॉडी की एक्सेलरेशन पे। ये फोर्स है, आपको क्या करना है बेटा, देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? देखो तीन, फोर्स मास एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, कितनी फिजिकल क्वांटिटी है न्यूमेरिकल में? फोर्स मास एक्सेलरेशन। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या पता लगाना है कि हमें ये जो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। इसका कहने का मीनिंग है, हमने ये निकालना है कि ये फोर्स के मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या मास की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, या मास की 2 पावर के प्रोपोर्शनल है। उस तरीके से एक्सेलरेशन के डायरेक्टली आएगा या इन्वर्सली आएगा। डायरेक्टली आएगा तो एक्सेलरेशन की 2 पावर आएगी, 3/2 आएगी, रूट आएगी, क्या आएगी, ये रिलेशन निकालना है कि फोर्स है आपका मास और एक्सेलरेशन पे कैसे कैसे डिपेंड करता है, किसके सहायता से, डायमेंशंस की सहायता से। सबसे पहला स्टेप वो ध्यान से देखो, आपने क्या देखना होता है, ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, डिपेंड्स। क्या अंडरलाइन कर लो? डिपेंड्स। क्या एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे? फोर्स। ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है उसको सबसे पहले लिख लो, क्या लिख लो? एफ। ठीक है, डिपेंड कर रहा है तो निशान लगा लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। हमें नहीं पता भी इन्वर्सली या डायरेक्टली, हमने मान लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड? मास पे, तो क्या लिख दो? एम। किस पे डिपेंड? एक्सेलरेशन पे, तो क्या लिख दो? ए। ठीक है, उसके बाद हमें ये चेक करना है ये मास के डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, या मास के कुछ पावर है, या एक्सेलरेशन के कुछ पावर है।
तो इसको निकालने के लिए मैंने इसकी पावर्स मान ली ए और बी। क्या मानी इसकी पावर्स? ए और बी। जो यहाँ पे फैक्टर लिखा वो लिखा, किस किस पे डिपेंड कर रहा है उसे लिख दो डायरेक्टली। मास के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो पावर लगा दो ए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायरेक्टली लिख के पावर क्या लगा दो? बी। अगर एक और टर्म होती तो उसको हम लगा देते पावर सी। अब दो तक समझो, पहले एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए लिख दिया, और एक्सेलरेशन की पावर मैंने क्या लिख दिया? बी। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो क्या आएगा? एक कॉन्स्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनल को हटाओगे क्या आएगा? एक कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट को मैंने क्या मान लिया? के। फिर क्या लिखोगे? एम की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी। आगे बात समझ? अब क्या काम करना है तुम्हें, देखो किसकी हेल्प से निकालना है? डायमेंशन फॉर्मूले की सहायता से। तो आपने क्या करना है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उसके क्या पुट करने हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पुट करने हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो सबसे पहला स्टेप, जिस जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके क्या लिख दो डायरेक्टली। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास के, एक्सेलरेशन पे को लिख दिया, उनके ऊपर लगा दो पावर्स। ए पावर लगा दी मैंने, बी पावर लगा दी, क्लियर। सेकेंड स्टेप, इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आएगा? एक कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट को आपने क्या माना है? के। क्या माना है? के। एम ए, एक्सेलरेशन बी। अब तीसरा स्टेप क्या करना है आपने, इन सब के क्या लिखने हैं? डायमेंशन फॉर्मूले। फोर्स का बताओ क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का एम एल टी माइनस टू। उसके बाद कॉन्स्टेंट के, यहाँ पे क्या है? मास, तो लिख दो एम। उसके ऊपर पावर ए, तो क्या हो जाएगी? ए। एक्सेलरेशन, अब प्लान हो गया होगा क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्केयर, तो क्या बनेगा? एल टी माइनस टू। क्या बनेगा बेटा? एल टी माइनस टू, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर भी बी थी, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? बी। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? फर्स्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, देन पुट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आप क्या करना है अपना है, अगर यहाँ पे मास की टर्म्स हैं जितनी उनको इकट्ठा करो, लेंथ की जितनी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करो, टाइम की जितनी टर्म्स हैं उनको क्या करो? इकट्ठा। बाय चांस इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही मास है, एक ही लेंथ है, एक ही टाइम है, कोई दिक्कत ही नहीं है इकट्ठा करने की। कर दो भाई, क्या बन जाएगा बोलो? एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी। क्लियर? एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी। मैंने सबको क्या कर दिया? इकट्ठा करके लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। अब हमें क्या काम होता है इसमें, मेन ये जो आपने इसके ऊपर पावर्स लगाई है बेटा, उसको निकालना होता है। क्या निकालना होता है? जो इसके ऊपर पावर्स लगाई है, ए पावर और बी पावर लगाई है ना, इन पावर्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे निकालना है? आपने इस लेफ्ट और राइट को कंपैरिजन करके, मास का मास से, लेंथ का लेंथ से, टाइम का टाइम से, तो क्या लिख दो? कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसे लिख सकते हो पावर्स की इनकी कंपैरिजन, क्यों भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। आप इतना नोट करो, फिर ऊपर करके कराती हूँ। आई होप सो नोट हो गया होगा इतना। तो अब आपने कंपेयर करना, करो देखो मास की पावर से, इसके ऊपर पावर कितनी है? ए। यहाँ पे पावर कितनी है? वन। तो ए इसके इक्वल आ गया बेटा वन के इक्वल,
क्लियर? लेंथ लेंथ बी, बी के ऊपर यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे वन, तो बी की पावर वन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेंथ की पावर यहाँ बी, यहाँ पे लेंथ की पावर वन, लेंथ लेंथ को कंपेयर करो तो बी किसके इक्वल आएगा, वन के। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो यहाँ से, कि आपको मास वाले टर्म को मास से कंपेयर करना है, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से, मास की मास से करिए, यहाँ पावर ए या पावर वन, तो ए इज इक्वल टू वन, या पावर बी या पावर वन, तो बी इज इक्वल टू वन, यहाँ पे पावर टाइम की माइनस टू बी, यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, टू से टू कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू वन। यही काम था, मैंने कहा था पावर्स निकालनी है ए और बी। पावर्स निकालने के बाद आपने इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है, कर दो पुट, इसको एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन वन, पुट ए बी वैल्यूज इन इक्वेशन वन, तो व्हाट विल यू गेट, एफ इज इक्वल टू के एम की पावर क्या आ रही है, वन, ना लगाओ या लगाओ ए की बात है, ए की पावर वन, तो ये आपका क्या आ गया, फोर्स का, मास का और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन, और के एक कांस्टेंट है उसको मैंने क्या मान लिया, वन, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एम ए, किसके इक्वल आ जाएगा, एम ए। आई थिंक ये रिलेशन आपने सुना भी हुआ है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लास्ट हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेकेंड यूज, क्या सेकेंड यूज, देखो अब समझ आ गया होगा कि देखो ये हमें क्वांटिटीज गिवन थी, फोर्स मास एक्सेलरेशन, इनके बीच में आपने क्या निकाला था, रिलेशन, तो क्या स्टेप करने हैं आपने बेटा, जिस जिस पे डिपेंड करता है वो लिखो, फिर डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, फिर मास का मास की पावर से, लेंथ की पावर से, टाइम से टाइम की पावर का कंपैरिजन करो, यहाँ से आपको वैल्यू निकलेंगी, उस वैल्यू से आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। तो ये न्यूमेरिकल्स करा, इस न्यूमेरिकल्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक में मिल जाएगा, नहीं मिला तो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आती एक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी बोर्ड पे लिखी हुई, वहाँ से आप देख लेना स्टेटमेंट और सॉर्ट आउट करना। फिर अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका तीसरा यूज़, क्या होता है इसका तीसरा यूज़, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। सिस्टम याद है ना क्या पढ़ाया था, चार सिस्टम पढ़ाए थे, SI, CGS, FPS, MKS। जैसे SI का CGS में कन्वर्जन, CGS का SI में कन्वर्जन, डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये इसका तीसरा यूज होता है, और दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस तीनों न्यूमेरिकल्स पे, टाइप के न्यूमेरिकल्स पे आपका क्वेश्चन आने का एग्जाम में फुल चांस होता है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आते ही आता है, क्लियर बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, ठीक है बेटा, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेके।